नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अभिषेक। स्वागत है आपका पेंडोरा केपलर के एक नए एपिसोड में। इस वीडियो में मैं आपको मैंडेटरी पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कि ओयो के साथ ऑनबोर्डिंग करने के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। इनमें से अगर एक भी स्किप हो जाता है तो शायद आप ओयो के साथ नहीं जुड़ पाओगे, तो इतना प्रिपरेशन करने के बाद ही आप ओयो से जुड़ पाओगे। जानने के लिए पूरी वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही पास के बेल आइकन को भी दबाइए ताकि ऐसी नोटिफिकेशन आपको आगे मिलती रहे। पूरी वीडियो को देखिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट करके मुझे प्रोत्साहन भी दीजिए, और अगर आपको कोई डाउट्स बची है तो फिर वो मुझे आप पूछ भी सकते हो। नीचे दिए हुए लिंक पे आप क्लिक करके डायरेक्ट ओयो के साथ जुड़ भी सकते हो, उनका ईमेल आईडी नीचे डायरेक्टली दिया हुआ है। नंबर वन जो कि रहेगा लिफ्ट। अगर आपका होटल दो फ्लोर्स यानी एक फ्लोर से ज़्यादा है, अगर दो फ्लोर्स है, तीन फ्लोर से, चार फ्लोर से, पांच फ्लोर है, तो मैंडेटरीली आपको एक लिफ्ट तो रखनी ही पड़ेगी। ओब्वियसली बात है, आपके पास सीढ़ियाँ तो रहेंगी लेकिन लिफ्ट आपको एक रखना वो मैंडेटरी है। दूसरा इम्पोर्टेंट रहेगा कि स्टैंडर्ड रूम विद स्टैंडर्ड कलर्स। जैसे कि मैं एक रूम में बैठा हुआ हूँ, अगर आपने फालतू वाला चूना लगा के रखा हुआ है या सस्ता वाला कलर लगा के रखा हुआ है तो वो दिखेगी ही इतनी अच्छी नहीं, फिर आप जब उसको छुओगे तो उसका फील भी अच्छा नहीं आएगा। ओयो यही चाहता है कि उसका बजट कम रहे, जो जो कस्टमर्स बुकिंग करें उनका बजट कम रहे और रूम सुपर्ब क्वालिटी का हो। तो सुपर्ब क्वालिटी के लिए आप एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कलर्स पे आप बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कलर्स जैसे नेरोलिक पेंट्स हो गया या यू नो बजट पेंट्स हो गया, उनके साथ आप कंसल्ट कर सकते हो अच्छे कलर्स के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा फॉल्स सीलिंग। आप अगर खाली सीलिंग रख दो होटल पे तो वो अच्छा नहीं लगेगा, आपको सीलिंग पे भी काम करना पड़ेगा। फॉल्स सीलिंग जिसको बोला जाता है, उसके यू नो कारीगर आपको मिल जाएंगे बाहर, कॉन्ट्रैक्टर्स मिलते हैं बाकायदा, वो स्क्वायर फुट का 100 और 200 रुपीज़ से लेके यू नो सस्ता ही मिलता है, कॉस्टली मिलता है। आप जितना अच्छा खर्चा करोगे उतनी अच्छी लुक्स आएगी। तो ये तीसरा पॉइंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आप खर्चा कर सकते हो और आगे में ये आपको ओयो के साथ जुड़ने में बहुत ही मदद करेगी। चौथा इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा इंटरकॉम। जैसे कोई रहता है आपका रूम, अगर कोई बुक करता है तो उसको वो क्या आपको मोबाइल से फ़ोन करेगा रिसेप्शन में? ऑब्वियसली नहीं। आपने जब कोई भी होटल पर गए हो, ढंग की होटल जो भी है वहाँ पर, तो आपको इंटरकॉम मिल ही जाता है। तो अगर आप बाहर पे इंटरकॉम एक्सपेक्ट कर दो तो आप अपने होटल में क्यों नहीं रखोगे? तो बहुत ही मैंडेटरी पॉइंट है इंटरकॉम। इंटरकॉम आपको रखना ही रखना है। पांचवा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ए स्मॉल टेबल विद ए चेयर। अगर रूम का साइज आपका बड़ा है तो आप बड़ा टेबल रखो, अगर रूम का साइज छोटा है तो आपको एक टेबल और एक चेयर रखना ही है। वो मैंडेटरी आप कैसे भी जुगाड़ करो लेकिन रखो, क्योंकि आप ओयो के कोई भी होटल पे आप जाओगे आपको बिना टेबल और चेयर वाला कोई भी रूम नहीं मिलेगा। छोटा सा एक टेबल और एक चेयर, इतना तो मैंडेटरी है, इतना आपको रखना ही है। छठा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक डबल बेड विथ अ गुड मैट्रेस। डबल बेड मैंडेटरी है, चाहे वो स्टील का हो या आयरन का हो या वुड का हो या प्लाई का हो, वो मैटर नहीं करता है। अच्छा दिखने वाला एक बेड चाहिए जो कि डबल बेड स्टैंडर्ड साइज होना चाहिए, किंग साइज, क्वीन साइज, आप पे डिपेंड करता है। मैट्रेस एक अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने बेड पे 5-6 हज़ार या 10-15 हज़ार रुपये खर्चा कर दिया और मैट्रेस पे 1000-2000 ही खर्चा किया। अच्छी क्वालिटी का मैट्रेस होना चाहिए। अगर मैट्रेस और बेड बहुत ही इंपॉर्टेंट है गेस्टों के रेस्ट लेने के लिए, तो रेस्ट का आप ध्यान जरूर रखें, क्योंकि आपको पता नहीं कि गेस्ट किस काम के लिए आ रहे हैं। कोई कोई जैसे मेरे जैसे बंदे, मैं तो ओयो बुक करता हूँ सोने के लिए कभी कभी शांति में ऑफ कोर्स, और बाहर जब जाता हूँ तो मैं ओयो को ही प्रेफर करता हूँ। ये वीडियो ओयो के द्वारा एंडोर्स नहीं किया गया है, ना ही मेरा उनके साथ कोई पेड पार्टनरशिप है। ये बस उन लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो कि ओयो के साथ अपना होटल रजिस्टर करना चाहते हैं या सोच रहे हैं होटल बना के रजिस्टर करना या ऑन द प्रोसेस है। सातवां पॉइंट, एक सीलिंग फैन, जो कि उसके फायदे तो आप ही को पता है। सीलिंग फैन को क्या ज़रूरत होती है? सर्दी के दिन में काम नहीं आती है, गर्मी के दिन में काम आती है। कोई कोई लोग मेरे जैसे एसी के साथ फ़ैन दोनों एक ही साथ चलाते हैं ताकि ठंडा ज़्यादा अच्छा से इवनली फैले, तो सीलिंग फैन मैंडेटरी है। और उसके बाद आठवां पॉइंट, एसी। एसी तो आपको चाहिए ही चाहिए, बिना एसी का ओयो पे आप ऑनबोर्ड हो ही नहीं सकते हैं। फिर डिपेंड करता है आप एसी कैसे लगा रहे हो। आजकल मार्केट में तीन टाइप्स के एसी आ रहे हैं, एक इंडोर एसी आ रहा है, इंडोर एसी आप यूज़ कर सकते हो।
आउटडोर एसी में आपका स्प्लिट एसी रहता है और विंडो एसी रहता है, डिपेंड करता है आपका बजट क्या है और आप क्या पसंद करते हो, कैसा आपका शो लुक्स लगेगा अगर आप स्प्लिट या विंडो एसी अपने रूम्स में लगाते हो तो। अगर ऑप्शन अगर आपके पास स्पेस है विंडो लगाने का तो मैं तो ऑब्वियसली प्रेफर करूँगा विंडो एसी, क्योंकि ठंडा बहुत ज़्यादा लगता है विंडो एसी में। नाइन्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये भी एक मैंडेटरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, बिना टीवी का तो कोई होटल बनता ही नहीं है, मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं है बिना टीवी का होटल। होटल में आपको टीवी रखना ही है, पहले होता था डब्बा वाला टीवी आता था, आजकल फ्लैट स्क्रीन वाले चल रहे हैं, एलसीडी के बाद आजकल एलईडी आई हुई है, तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप कोई एक एलईडी टीवी लगवाइए जो कि अगले 10 साल तक उसका मार्केट रहेगा। तो आप एलईडी टीवी छोटा हो सकता है 20 इंच का टीवी आप यूज़ करवा सकते हो, उससे भी छोटा अगर मिलता है तो लगा सकते हो, लेकिन बिल्कुल माइक्रो नहीं होना चाहिए टीवी। स्टैंडर्ड साइज़ 21 इंच, 29 इंचेस, 28 इंचेस के भी टीवी आ रहे हैं। 43, 44, 45 में आपको इतना सजेस्ट नहीं करूँगा, अनटिल एंड अनलेस आपका रूम इतना एक्सपेंसिव हो या इतना अच्छा दिखने वाला हो ताकि उसके साथ 40 टू 45 इंच वाले टीवी मैच करे। मिनिमम जितना बनता है आप करवा सकते हो, उसके लिए आप कई सारे ब्रांड्स अवेलेबल हैं, एमआई का ब्रांड्स अवेलेबल है, सैमसंग का है, इसमें मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही अपना बजट देख के खरीद सकते हो। 10th, एक कपबोर्ड, एक कपबोर्ड रहना है, छोटा सा एक कपबोर्ड रहना है जहाँ पे अपना सामान गेस्ट आके रख सकते हैं। ओयो के हर रूम्स पे आप जाओ आपको एक कपबोर्ड मिल जाएगा। कपबोर्ड आपका आयरन का हो सकता है, वुड का हो सकता है, प्लाई का हो सकता है, डिपेंड करता है अगेन आपके शो, आपके बजट और बहुत सारे फैक्टर्स पे, वो आप देख लो, लेकिन मैंडेटरी है। अभी चलिए चलते हैं वॉशरूम के तरफ, क्योंकि वॉशरूम में भी मैंडेटरी पॉइंट्स हैं जो कि आपको फॉलो करना है ओयो के साथ ऑनबोर्ड होने के लिए। वॉशरूम में आपको चाहिए होंगे पहला बात एक गीजर, ठंडा गरम पानी, गीजर का यू नो यूसेज आपको पता होगा। वेस्टर्न टॉयलेट, एक स्प्रेयर, एक स्प्रे वॉशर चाहिए होगा, टॉयलेट रोलिंग के लिए सॉरी टॉयलेट पेपर रोलिंग के लिए वो वाला स्टैंड चाहिए होगा आपको, अच्छा सा बेसिन चाहिए होगा, एक अच्छा सा बेसिन हिंडवेयर का, काफ़ी अच्छे अच्छे बेसिन आते हैं आप देख सकते हो हिंडवेयर के वेबसाइट पर। आपको वॉशरूम में एक मिरर भी चाहिए होगा और एक शावर चाहिए होगा, ये सारे मैंडेटरी पॉइंट्स हैं जो कि आपको एक वॉशरूम में चाहिए। अगर आपके पास ये सब हैं तो बहुत अच्छी बात है, नीचे वाले ईमेल आईडी पे आप कांटेक्ट कर सकते हो ओयो के साथ जुड़ने के लिए। अगर आपके पास ये नहीं है और अगर आप सोच रहे हो कि ओयो के साथ जुड़ना, तो मैं आपको बोलूँगा कि मत करो, क्योंकि वो आपको ऑनबोर्ड नहीं करेंगे। और तीसरी बात है, अगर आपको ये वीडियो बनाने से पहले ही देख ली हो, अपना होटल बनाने से पहले देख ली हो, तो आप ये सारा फॉलो करके ही उनके साथ बात करें, क्योंकि पहले उनका एक बंदा आएगा आपका होटल्स का, इन डिटेल्ड फोटोज क्लिक करेगा, वही डिटेल्स वो लोग अप्रूव करवाएंगे, अप्रूव करने के बाद ही वो जाके अपने ऐप्स पर उसको अपलोड करेंगे। रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल 80-90% रहता है, डिपेंड करता है आप ओयो का कितना बुकिंग ओयो करवाता है आपके होटल के लिए, फिर वही हिसाब से आप उनके साथ, उनका एक स्टैंडर्ड प्राइसिंग रहता है जो कि होटल टू होटल, प्रॉपर्टी टू प्रॉपर्टी डिपेंड करता है, स्टैंडर्ड नहीं रहता है। अगर आपका ग्रुप ऑफ होटल्स है, जैसे अलग अलग शहर में या एक ही शहर में बहुत सारे होटल्स हैं जो कि ओयो के साथ टाइअप है उनका, तो आपके लिए ऑब्वियसली बात है आप उनके साथ नेगोशिएट कर सकते हो, या तो वरना वो 80-90% ही रहता है रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल, जिसमें आपको 80-90% आपको मिलता है और 10% उनको, 10-20% उनको मिलता है। आशा करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए नेक्स्ट वीडियो मुझे किस पर बनानी चाहिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाइए, और बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।